बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिक वैसल एडवोकेट और आप हमारा चैनल देख रहे हैं योर लीगल राइट। आज का हमारा टॉपिक है कोर्ट मैरिज। आज हम बताएंगे कि कोर्ट मैरिज कैसे होती है और इसकी पाकिस्तानी लॉ के अंदर क्या अहमियत है। कोर्ट मैरिज के ऊपर बहुत से ओपिनियंस हैं क्योंकि हमारा मुआशरा जो है या कस्टम्स हैं उसके मुताबिक इसको बुरा समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक ये परमिट है कि आप इसको शादी कर सकते हैं। और जो है इस्लाम ने भी इजाज़त दी है कि हर आकिल बालिग जो मर्द और औरत हैं वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं, क्योंकि जो फैमिली लॉज हैं पाकिस्तान के वो बेस करते हैं शरिया के ऊपर, इस्लाम के ऊपर। अब हम बताएंगे कि कोर्ट मैरिज कैसे होती है। इसके लिए आपने वकील को इंगेज करना है और उसके साथ दो विटनेसेस लेकर जाने हैं। अगर आईडी कार्ड बना हुआ है, यानी कि अडल्ट पर्सन, मैंने आपको बताया कि 18 साल से ऊपर एज होनी चाहिए। अगर आईडी कार्ड बना है तो आईडी कार्ड की कॉपीज़ और लेकर जानी है। अगर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, बेफॉर्म, और साथ जो है वो पिक्चर्स आप लेकर जाएंगे, जो भी लड़का लड़की जिनमें दोनों में से किसी का जो भी आईडी कार्ड मिसिंग हो वो लेकर जाएं, तो वहाँ पर जो है वो आपका निकाह पढ़ाया जाएगा। निकाह के लिए वही प्रोसीजर होता है कि जो आम अरेंज मैरिज में होगा, लेकिन इस के साथ जब दो विटनेसेस और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा तो एक स्टैम्प पेपर, यानी कि उसके ऊपर एफिडेविट बनाकर उसको दर्ज किया जाएगा कि इस लड़की ने अपनी आज़ाद मर्जी से शादी की। उसकी सारी डिटेल्स आएंगी लड़की की। उसके बाद जब ये शादी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो निकाह ख्वाह है इसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस मैरिज को रजिस्टर करे और इसको रजिस्टर करवा के जो है प्रॉपरली मैरिज सर्टिफिकेट इशू करे। अब पहले से लड़की जो है वो डाइवोर्स्ड है तो उसके लिए डाइवोर्स सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। और जो है विडो की सूरत में भी जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसका डेथ सर्टिफिकेट प्रीवियस हस्बैंड का, वो जमा करवाना और उस प्रोसेस को आगे लेकर चलने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि ये कोर्ट मैरिज जो है वो हमारे ट्रेडिशंस और कस्टम्स के अगेंस्ट है, तो जब ये कोर्ट मैरिज होती है तो अमूमन लड़की के घर वालों से के अगेंस्ट की तरफ से रिएक्शन आता है। उस रिएक्शन के में जो है वो अक्सर यही होता है कि अगवा का पर्चा या अगवा के साथ रेप का पर्चा जो है वो लड़के पर जो है वो करवाया जाता है। तो इसके लिए जब आप कोर्ट मैरिज करवाएं तो 7 दफ़ा जो है 164 के बयान ज़रूर कराएं, यानी मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान कराएं। उसका तरीकाकार क्या है कि आप वकील के पास जाएंगे तो वो इस्तगासा एक दायर करेंगे कि मुझे जो है वो धमकियाँ मिल रही हैं अपने घर वालों से। अपना नॉमिनेट करें कि जो भी घर वालों में से या रिश्तेदारों में से जो है वो धमकियाँ दें कि तुमने अपनी आज़ाद मर्जी से शादी की, तुम्हारे साथ ये कुछ हो सकता है। और वो जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसमें लड़के के ऊपर FIR दर्ज कराई जाती है 365 की, बी की PPC, या उस पर जो है अगवा के साथ जो है वो रेप का की FIR दर्ज कराई जाती है। तो इसके लिए जब इस्तगासा आप दायर करते हैं तो जो मजिस्ट्रेट है वो बयान रिकॉर्ड करते हैं, उस लड़की का बयान रिकॉर्ड करते हैं कि आपने अपनी मर्ज़ी से शादी की, आपके ऊपर दबाव तो नहीं, किसी ने प्रेशराइज तो नहीं किया, किसी ने थ्रेट तो नहीं किया। वो जब 164 के बयान रिकॉर्ड हो जाएंगे तो वो आप अपने मुतलका थाने में जो है वो जमा करवा दें। अगर FIR लॉन्च नहीं हुई तो उसके जो है वो प्रोसेस रोक दिया जाता है। अगर लॉन्च हो चुकी है तो वो जो है FIR जो है वो ख़त्म कर दी जाती है और ख़ारिज कर दी जाती है। इस तरह ये प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट हो जाता है कोर्ट मैरिज का। तो ये तरीकाकार है कोर्ट मैरिज का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।